हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे यूरिक एसिड के जोखिम कारक। कौन से ऐसे कारक हैं जिसके वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूरिक एसिड रक्त में पाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद है जो कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के बाद उत्पन्न होता है। ऊंचे रक्त यूरिक एसिड स्तर के जोखिम में शामिल होता है, जैसे अधिक वजन या ओबेसिटी या मोटापा वाले बंदे में यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होता है या उनके रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। आहार विहार, दोस्तों प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, जैसे में लाल मांस, अंग मांस, समुद्री भोजन, स्काल्प, मोलस्का, टूना फिश, और इसके अलावा फ्रुक्टोज सिरप या मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। दोस्तों, जिनको गुर्दे की समस्या होती है या चोट लग जाती है या किडनी इंजरी होती है, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। गुर्दे की क्षति से अपशिष्ट उत्पाद को अच्छे तरह से फिल्टर यानी डायलिसिस नहीं कर पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में यूरिक एसिड जमा होता है। दोस्तों, ये सब तो रहा यूरिक एसिड का जोखिम कारक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर और किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।